बेटा क्या गेम 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 दिन भर लगा रखा है, आवाज कम करो। नहीं नहीं तुमको समझ में नहीं आने वाला है, तुम एक काम करो, तुम मेरे को शाम को कॉल करो, ठीक है? हाँ रखो। ये क्या गेम गेम गेम, पढ़ाई करो। स्कूल नहीं चालू है? अच्छा अच्छा शट अप ओके, गो सिट इन द कॉर्नर एंड स्टडी। गुस्सा हो गया? चलो आओ पापा के पास आओ। डैड क्या कर रहे हैं? डांस? हम शो की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम पूरी दुनिया को सिखाती हो? मुझे भी सिखाओ। डैड बाल डाई करा लिया आपने? और ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? लुकिंग यंग ना, लग रहा हूँ तुम्हारा छोटा भाई। नहीं नहीं। अच्छा एक बात पूछनी थी, तुम दोनों के बॉयफ्रेंड है? नहीं डैड, आप है ना? चल मस्का मत मार, बताओ ना, मैं मिलूंगा उनसे, बताओ। डैड जब भी प्यार होगा ना, सबसे पहले ना आपको पता चलेगा। सच्ची? मुच्ची। यप्पी। We are lucky to have a sweet dad. Oh. Love you. And he is not just a dad. He is a dad cum guide and a philosopher. Love you. Happy birthday, Nandini. Hello. दिलीप मुझे माफ कर देना प्लीज। माफी पापा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू पापा। 5 महीने बीत गए, हमने आपसे बात ही नहीं की। उन महीनों में हमने बहुत आत्ममंथन किया और ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हर इंसान को अपना लक्ष्य चुनने की आजादी हक होना चाहिए। उसमें किसी को भी मना नहीं करना चाहिए, माँ पिता को भी नहीं, बल्कि उनको तो गाइडेंस देना चाहिए। तुम जो कर रहे हो बेटी, उसके लिए हिम्मत चाहिए और तुम्हें वो हिम्मत है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हम चाहते हैं कि तुम तरक्की की ऊंचाई को छू, तो गलत रास्ता मत अपनाना। आपके संस्कार अब भी मेरे अंदर, माँ और भैया हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम माँ बाप दोनों बन के तुम्हारे साथ रहेंगे। कला के क्षेत्र में जाने से हमें दिक्कत थी, लेकिन क्यों? शायद इस क्षेत्र के संघर्ष से हमें डर लग रहा था, लेकिन आज आज हमें गर्व है और हमें विश्वास है तुम संघर्ष भी करोगी और आगे भी बढ़ोगी। रो रही थी ना? नहीं पापा। दूर दूर हूं लेकिन संतान की सिसकियां भाप लेता हूं।
चलो अपना मुस्कुरा दो। हैप्पी बर्थडे भाई, रखते हैं। हेलो पापा। हेलो गायत्री, कैसी हो? विवेक कुमार कैसे हैं? विवेक बिल्कुल ठीक है। गायत्री कितने दिन हो गए तुम घर पे आई ही नहीं हो, तुम घर पे आओ इस सैटरडे संडे वीकेंड में, विवेक कुमार को भी साथ में ले आना। अरे पापा अभी 4 दिन पहले ही तो आई थी। तुम्हारे ही मनपसंद का खाना बनाएंगे, ओके? अच्छा मेरा मनपसंद खाना बनाओगे? आप खुद बनाओगे? हाँ खाना मैं ही बनाऊंगा। आपके हाथ का खाना खाने तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा मुझे ये बताइए आपने दवाई ली? हाँ हाँ गायत्री, दवाई मैं रोज रेगुलर लेता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, दवाई लेने में बहुत नाटक करते हैं। पापा मैंने सुना मम्मी ने क्या कहा, मुझे ये बताइए आप दवाई क्यों नहीं लेते? तुम आओगी तो दवाई जरूर लूंगा। वाह ब्लैकमेल और मुझे। अच्छा पापा मैं आऊंगी, बस। सुनती हो गायत्री घर पे आ रही है, उसके मनपसंद खाना बनाने की तैयारी करो, ओके? पापा आज नहीं 2-4 दिन में आऊंगी। 2 या 4? 3 दिन में आ जाऊंगी पापा। हैप्पी? ठीक है 3 दिन, लेकिन पक्का आना। हाँ पापा पक्का, प्रॉमिस 3 दिन में आ जाऊंगी। हैप्पी? ओके गायत्री सुपर हैप्पी, बाय बाय।